तो दोस्तों आज विवो प्रो कबड्डी का 7 नंबर दिन था जो कि ख़त्म हो चुका है। तो आज 3 मैच हुआ, तो इस मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है तो उसके बारे में बताएंगे। तो पहला मैच हुआ यू मुंबा तमिल तलाइबस के बीच, तो इस मैच को यू मुंबा बहुत ही आसानी से जीत लिया। तो इस मैच में विवो परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने नरेंद्र कुमार, जिन्होंने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया रेडिंग के थ्रू। उन्होंने इस मैच में 20 रेड में 15 रेड पॉइंट लिया 75 के स्ट्राइक रेट से। उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने गुमान सिंह, जिन्होंने इस मैच में पहले रेड से ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। उन्होंने 12 रेड पॉइंट किया और 122 फैंटेसी पॉइंट कमाए ड्रीम इलेवन में। दाफा न्यूज मोमेंट ऑफ द मैच मिला जय भगवान को, जिन्होंने एक ही रेड में 3 खिलाड़ियों को आउट किया और सुपर रेड किया। उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। जब एक समय तमिल तलाइबस के पास लीड थे तभी जय भगवान ने सुपर रेड लगाया। तो दूसरा मैच हुआ हरियाणा स्टीलर जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच, तो इस मैच को जयपुर पिंक पैंथर्स बहुत मार्जिनों से जीता। तो इस मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने अर्जुन देसवाल, जिनको 25,000 रुपये दिया गया प्राइज मनी के थ्रू। उन्होंने इस मैच में 24 रेड किया और 14 रेड पॉइंट ले आए 58 के स्ट्राइक रेट से। नेक्स्ट आते हैं ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने सुनील कुमार, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट लिया ड्रीम इलेवन में। सुनील कुमार ने आज के मैच में 8 टैकल पॉइंट लिया और टैकल स्ट्राइक रेट रहा 133 का, जो कि बहुत होता है। विजियन इलेवन मोमेंट ऑफ द मैच मिला राहुल चौधरी को, जिन्होंने इस मैच में पहले रेड में ही उन्होंने 1 पॉइंट लिया है, इसी वजह से उनका अवार्ड दिया गया। उनको 25,000 रुपये प्राइज मनी के थ्रू दिया गया। तो आखिर में मैच हुआ पुनेली पलटन और गुजरात फॉर्चून जायंट्स के बीच, तो इस मैच को गुजरात फॉर्चून जायंट्स बहुत ही आसानी से बड़े मार्जिन से जीता। तो इस मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने एचएस राकेश, जिनको 25,000 रुपये दिया गया। उन्होंने इस मैच में 27 रेड किया और 15 रेड पॉइंट ले आए। उनका स्ट्राइक रेट था 56 का। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने सुशील गुलिया, उनको 25,000 रुपये दिया गया। उन्होंने इस मैच में 5 टैकल पॉइंट और सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट लिया 136। नेक्स्ट आते 1x बेट मोमेंट ऑफ द मैच मिला एचएस राकेश को, जिनको 25,000 रुपये दिया गया प्राइज मनी के थ्रू। जब वो रेडिंग करने आए तब उन्होंने एक डुबकी लगाया और एक सुपर रेड किया। उन्होंने फजल अत्रे चली और गोए 3-3 खिलाड़ी को आउट किया, तो इसी वजह से उनको 25,000 रुपये दिया गया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट और कबड्डी रिलेटेड वीडियो के लिए।